स्वागत है आप सभी का कुलुंग नर्सरी में। और आज है शनिवार। शनिवार को मैं गतिविधि की अपडेट देता हूँ, कटिंग से लेकर उसे रिपोर्टिंग करने का, पोटेडर क्या डाला में और कीटनाशक का उपयोग करना और साथ ही पिंचिंग का। हमने अब तक इसमें दो बार पिंच कर दिया और आज करेंगे तीसरी बार। पिछले हफ्ते हमने जो यूरिया का स्प्रे किया था उससे बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है, साथ ही इसमें नई ब्रांचेस बहुत सारे निकली हैं और पत्तों का कलर भी बहुत ज़्यादा ग्रीन है। प्लांट ऐसी हेल्दी रहे तो अच्छा लगता है। इसकी ऐसी ही पिचिंग चलती रहेगी नवंबर तक, तब तक ये प्लांट भी बड़ा बुशी हो जाएगा क्योंकि हमें दिसंबर में इसमें फ्लावर चाहिए। और अभी ये है 4 इंच के पॉट में, फिर हम इसे करेंगे 6 इंच के पॉट और लास्ट पॉट होगा 8 इंच के पॉट। सबसे मैंने यूरिया का इस्तेमाल किया है, इसमें ग्रोथ अच्छी हो रही है, साथ में न्यू ब्रांचेस भी और आ गई हैं। पहले पिंच से मिले थे मुझे 2 ब्रांचेस और दूसरे पिंच से मिले मुझे 4-5 ब्रांचेस। ऐसे ही चलता रहा तो मेरे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस होंगी और उस 4 ब्रांचेस को आज पिंच करेंगे। इस तरह हमारी पिंच होगी आज तीसरी बार और साथ में वो जो घर पतवार निकल रहे हैं नीचे से उन्हें भी हटाना है जितना साफ हो सकता है और साफ रखना है। और हमें वैसे ही करना है जैसे पहले की पिंच में हमने इसमें किया था, ऊपर के न्यू शूट को ही पिंच करना है। जितनी बार पिंच करेंगे हम तो हमें नए ब्रांच मिलेगी पिंचिंग के लिए। और मैंने बता ही रखा है कि आपको कि पिंच करने टाइम एक चीज का ध्यान रखना है, जितने प्लांट है आपके पास उसको एक साथ ही पिंच करना है। ये नहीं करना कि आज 10 कर रहे हैं और कल 10। मेरे पास हैं 200-250 प्लांट, उनकी मैं आज ही पीछे ख़त्म करूँगा। और एक बात बता दूँ आपको कि पिंचिंग का कोई मतलब नहीं है हाइट से, इसकी हाइट जितनी है उतनी में ही फ्लावरिंग करेगा, 1 फुट और 1.5 फुट में ही। हम पिंच कर रहे हैं बस हमें और ब्रांच मिल सके पिंचिंग के लिए। पिंचिंग के साथ साथ इसमें फर्टिलाइजर भी देना होगा हमें, जैसा कि NPK, यूरिया और डाई। लास्ट में है सरसों की कड़ी, पर मैं अभी सरसों की कड़ी या लिक्विड नहीं दूंगा क्योंकि अभी चल रहा है रेनी सीजन, इससे लग सकता है मेरे प्लांट में फंगस, जो मैं नहीं चाहता हूँ। है तो ये भी बढ़िया फर्टिलाइजर। कल रात से बारिश हो रही है, अभी भी आ रही है, आपको भी आवाज़ आ रही होगी उसकी। अब कंप्लीट हुई है मेरी सारी गतिविधि की पिचिंग। और है ये मेरे पम्पम वराइटी जो कि 12 इंची गमले में है। थोड़े प्लांट खराब हो गए हैं बारिश के कारण, भी हमारे यहाँ पे दिन रात हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। आप सभी को दिल से धन्यवाद।